अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को बताएं कि ईद का पहला रोज़ है और पहले रोज़ ही इंतहाई अफसोसनाक बात यह कि मैं एक बार फिर चिड़ियाघर में मौजूद हूँ। मुझे लगा था कि कल शायद जो है रेड डॉक्टर्स की टीम आएगी और मधुबाला और नूरचांद जो है वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे और नूरचांद अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि नूरचांद जो है वो अब से कुछ देर कम ही जो है वो कश्मकश में की ज़िंदगी मिलेगी या उसके साथ क्या होगा वो दम तोड़ दे। गुज़िश्ता रात बताया जा रहा है कि उसे बहुत तेज़ बुखार हो गया था, जिसकी वजह से उसके आज़ा पहले ही जो है वो काम नहीं कर रहे थे, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। और अब जबकि ये देखा गया है कि जो गुज़िश्ता इंतज़ामिया थी जो कि अगर उसने ज़रा सी नाअहली नहीं बरती होती तो शायद आज जो है नूरजहाँ खड़ी हो जाती। और जो 10 दिन से मुसलसल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल डॉक्टर्स, यही ट्रीटमेंट अगर 4 माह कबल दिया जाता तो आज नूरजहाँ हमारे साथ होती। अगर यही ट्रीटमेंट पहले दे दिया जाता और पहले लोगों को ये अवेयरनेस दे दी जाती कि भाई आएँ और इलाज कर लें तो शायद सही हो जाता। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स एक जानवर के साथ खेली गई है ना, तो इंतहाई अफसोस की बात है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे कभी भी जो है वाइट लायन भी इसी तरह शिकार हुआ इन्हीं की नाअहली की वजह से, लेकिन कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। मैं यहाँ जू में खड़ी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ी है कि इतना भारी भरकम जानवर था, लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तब बड़ी मोहब्बत से इससे मिली हूँ, इसके साथ मैंने यहाँ कौन तक आना रहना करना, लेकिन आज इंतज़ामिया की एक छोटी सी गफलत ने उसे मौत के मुंह में उतार दिया। लेकिन कोई सवाल नहीं कर रहा कि आया वो डायरेक्टर क्यों नहीं खड़ा हो रहा। यहाँ से मुंतकिल कर देना सिर्फ मसले का हल नहीं था, क्योंकि मजीद जानवर भी यहाँ रुल रहे हैं। अब जो डायरेक्टर आया उसने 10 दिन में स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया, स्पेशल केयर हो गई, और अब जो 10 दिन आपकी केयर की गई, अगर वही केयर 4 महीने पहले कर ली जाती तो शायद नूरजहाँ खड़ी होती और यहाँ होती। लेकिन ये गफलत जो बरती गई इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। मजीद जानवर इससे पहले भी गए, और अगर हथनियों के हवाले से बताऊँ तो 2006 में कराची जू की ही एक हथनी थी जो यहाँ से चली गई, कोई पूछने वाला नहीं था। इसी तरह 2011 में लाहौर में हुआ, 2016 में हुआ, 2022 में कावन को अगर यहाँ से उसके पास अगर टाइम नहीं बचता तो वो भी शायद खुदा ना खास्ता चला जाता, लेकिन आज खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे। तो ओवरऑल मैं ये बताऊँगी कि आज जो यहाँ उसको पालने वाला था उस आदमी की सोचें कि जिसने उसे 17 साल अपने साथ रखा है, खिलाया पिलाया, उठना बैठना, सर्दी गर्मी बारिश हवा पानी भूख सब उसके साथ थी उसकी। आज वो अंदर बैठा है उसके करीब और लोगों को ये तजस्सुस है कि वो बैठा क्यों, उसे बुला लें, उससे पूछ लें, उसकी बातें सुन लें। तो हर चीज़ को तमाशा ना बनाया जाए। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि नूरजहाँ के जाने की वजह जो है ना सिर्फ गफलत है, और अगर उस गफलत पे आज भी एक्शन नहीं लिया गया तो पीछे जितने जानवर हैं यहाँ भी कहीं और भी, अगर आज एक बंदे को नहीं रोका गया ना तो पिछले जितने लोग हैं ना, फिर जितने जानवर हैं वो इसी तरह जाएंगे। कोई नहीं पूछ रहा कि गुज़िश्ता 4 माह से ये क्यों खड़ी थी, कोई नहीं पूछ रहा कि क्यों इसके साथ इतना इन्फेक्शन हुआ। फिर कहा जाता है कि, और जब मैंने ये सवाल किया तो मुझे कहा गया कि आपको देख लेंगे, तो भाई देख लें आज, क्योंकि मैं अब भी कहूँगी कि ये उनकी गफलत थी जिसकी वजह से आज एक हाथी चला गया। और वो सिर्फ हाथी यहाँ देखने आने वालों के लिए एक हाथी था, एक जानवर था, लेकिन मैंने उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हुई है। शायद वहाँ बैठे हुए लोगों को ये आवाज़ बुलंद करनी होगी ताकि हम इन एनिमल रेस्क्यू कर सकें। हमारे मुल्क में बहुत कुछ है, यहाँ 10 दिन स्पेशल ट्रीटमेंट दिला, कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। AC उसके लिए लग रहे हैं, पंखे उसके लिए लग रहे हैं, कैमरे उसके लिए लग रहे हैं, दवाई उसके लिए आ रही। 4 माह पहले नहीं आ सकती थी, 4 माह पहले ये नहीं पता था कि वो बीमार है, 4 माह से ये बात हो रही थी लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। आज वो मर गई है लेकिन कोई अब भी पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल नहीं कर रहा कि आया वो डायरेक्टर कहाँ गया, उससे पूछा जाए, यहाँ से मुंतकिल कर देना सिर्फ इसका हल था। तो उससे ये सवाल किया जाए कि अब कौन पूछेगा और कौन करेगा। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची से भी कहूँगी और मैं सिंध हुकूमत से भी कहूँगी कि आप लोग देखें कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, और सिर्फ कमेटियाँ ना बनाएं, क्योंकि आपकी कमेटियाँ हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रही। आपकी कमेटी सिर्फ कमेटी है जो सिर्फ 4 कमरों में बैठ के फैसले कर रही है, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। हम पे तो पर्दे डाल दिए जाते हैं कि हम ना बोलें, लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ कि ये कमेटियाँ बनाना बंद करें और काइंडली हमें ये बताएं कि उसका ज़िम्मेदार जिसकी वजह से आज यहाँ नूरजहाँ मरी है उसे कौन पकड़ेगा, या फिर वो आपकी सरपरस्ती में जिसे आप पकड़ना ही नहीं चाहते। तो काइंडली इस चीज़ का हल निकाल के दें, क्योंकि हमें अब जवाब चाहिए। हम आपकी किसी भी बात से जो है मुतमईन नहीं होंगे जब तक आप ये नहीं बताते कि आया वो गुज़िश्ता डायरेक्टर जो है वो उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, उससे क्यों सवाल नहीं किया जा रहा कि ये आज इस यहाँ तक मरी है तो इसकी वजह क्या रही, ये 4 महीने क्यों इलाज नहीं दिया गया।
काइंडली आप लोगों से गुजारिश है ये ज़रूर बताएं, वरना ये आवाज़ इसी तरह बुलंद रहेगी। और अब इंटरनेशनल मीडिया इसमें इंक्लूडेड है, तो आप अब मेरा मुंह तो आप बंद नहीं करवा सके, लेकिन आया आगे भी नहीं करवा पाएंगे। तो काइंडली इस चीज़ का जवाब हमें चाहिए, और जवाब लिए बगैर मैं भी नहीं छोड़ूंगी।